नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन जॉब लाइन पर। और दोस्तों, राजस्थान शिक्षा नीति 2019 को लेकर 25 महत्वपूर्ण बिंदु या नियम सामने आए हैं। तो वे शिक्षार्थी और अध्यापक गण जो राजस्थान शिक्षा नीति 2019 का समर्थन नहीं करते हैं, उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों अधिकांश लोगों को अभी तक यह नहीं पता है कि राजस्थान शिक्षा नीति में कौन कौन से बिंदु या नियम जुड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि राज्य की शिक्षा नीति बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने काम शुरू कर दिया है और इस कार्य के लिए राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य स्तर पर 3 सदस्य समिति का गठन किया है। इस राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष होंगे आपके भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी ओंकार सिंह होंगे तथा पूर्व संयुक्त निर्देशक ओम प्रकाश शाश्वत को भी सदस्य बनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षाविद पूर्व प्रधानाचार्य हरिकृष्ण आर्य को इस 3 सदस्य समिति में सदस्य मनोनीत किया गया है। और समिति का मुख्यालय जयपुर में डॉक्टर एस राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर को रखा गया है। फिर यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि शिक्षा नीति 2019 के मुख्य बिंदु। साथ ही दोस्तों हम फिर से एक बात दोहरा दें कि फिलहाल शिक्षा नीति जारी नहीं हुई है, अभी केवल इसके बिंदुओं पर फोकस किया जा रहा है कि किन बिंदुओं को लागू करना है और किन पर नहीं, उसके लिए समिति का गठन किया गया है। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे कि इंटरव्यू आपके फर्स्ट सेकेंड व थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियों में लागू होगा, तो ये ऐसे बिंदु इनमें फिक्स हैं। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस शिक्षा नीति के बारे में मालूम चल सके। तो चलो दोस्तों अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से बिंदु हैं। पहला बिंदु है इसमें कि दोपहर के भोजन के अतिरिक्त बच्चों को अब ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। सेकेंड बिंदु है कि शिक्षा के अधिकार का विस्तार करके इसे अब कक्षा 1 से कक्षा 12 तक किया जाएगा। तीसरा है कि देश भर में लगभग 10 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, उन्हें अब भरा जाएगा। चौथा बिंदु है कि सेमेस्टर सिस्टम आपका लागू होगा, वहीं 12वीं के बाद बीएड अब 4 साल की होगी और बीए के बाद 2 साल की, और वहीं एमए के बाद बीएड अब 1 वर्ष की होगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा कदम है कि एमए के बाद बीएड अब 1 वर्ष की हो जाएगी। वहीं पॉइंट नंबर 6 दे रखा है आपका कि बोर्ड परीक्षा का भय कम किया जाएगा, ऑनलाइन मूल्यांकन होगा, टीचर नियुक्तियों में साक्षात्कार अवश्य लिया जाएगा और प्रमोशन में भी विभागीय परीक्षाएं होंगी और गाँव में तैनात शिक्षकों के लिए विशेष भत्ते होंगे। अगला पॉइंट दे रखा 11वां, शिक्षकों के तबादले बहुत ही जरूरी होने पर ही होंगे, शिक्षकों के लिए विद्यालय के नज़दीक आवास बनेंगे, पूरे देश में एक समान पाठ्यक्रम होगा, अध्यापकों के प्रशिक्षण में जोर और 15वां व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाएगा और शिक्षक छात्र अनुपात 25:1 या फिर 30:1 और स्कूली स्तर पर 8वीं के बाद विदेशी भाषा के कोर्स होंगे। पॉइंट नंबर 18 है आपका, निजी स्कूलों पर पहले से अधिक नियंत्रण रहेगा, निजी स्कूलों के नाम में पब्लिक शब्द का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, अध्यापक पात्रता परीक्षा के बिना निजी स्कूलों में भी नियुक्त नहीं होंगे शिक्षक, यानी उनके लिए टेट जरूरी होगा, और शिक्षा मित्र पैरा टीचर गेस्ट टीचरों की नियुक्ति भी अब नहीं होगी, और वहीं गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति मिलेगी, और वहीं स्कूल प्रबंधन समिति अब निजी स्कूलों में भी गठित की जाएगी और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी। और 25वां पॉइंट है, शिक्षा को अनिवार्य और 100% साक्षरता दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो आ रहा है आपके पॉइंट नंबर 8 कि शिक्षक नियुक्तियों में साक्षात्कार अवश्य लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इन बिंदुओं को लेकर अभी विचार विमर्श चल रहा है, अभी तक राजस्थान शिक्षा नीति 2019 लागू नहीं हुई है, इस पर कार्य चल रहा है और हो सकता है कि समिति द्वारा इसमें कुछ बिंदु हटा भी लिए जाएं और जोड़ भी दिए जाएं, लेकिन साक्षात्कार या इंटरव्यू वाला पॉइंट जो है या नियम जो है वो इसमें लागू रहेगा। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी को राजस्थान शिक्षा नीति 2019 के बारे में मालूम चल सके और वे अपने विचार विमर्श रख सकें। साथ ही दोस्तों अपने विचार हमें कमेंट जरूर करें ताकि आपके विचार आपके साथियों और अध्यापक गणों तक भी पहुँचें।